शुरू। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा सेवंथ, विषय सामाजिक विज्ञान, महिलाओं का पाठ नंबर 4 है, जिसमें आपका टॉपिक है महिलाओं का काम और समानता। देखिए, महिलाएं बहुत सारा घर का कार्य करती हैं, खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों के कपड़े धोना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन तैयार करना और भी सिलाई वगैरह, सब कपड़े वगैरह साफ करना, ये सब महिलाओं के काम हैं। मगर इनको एक महत्व नहीं दिया जाता। अब आता है समानता। समानता हमारा एक मूल अधिकार भी है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार है, उनमें से एक मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है क्या? जाति, वंश, वर्ण, लिंग, नस्ल, धर्म और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई अंतर न करते हुए सबको समान बराबर का दर्जा प्रदान करना, यह कहलाता है आपका समानता का अधिकार। एक कार्य के लिए एक वेतन और आजीविका के लिए उसे पुरुष की आवश्यकता होती है और महिला को भी होती है। देखिए, अब काम और समान, जैसा कि हमने देखा है, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देगा। जैसा कि हमने जाना है कि महिलाओं का जो कार्य है, जो किया जाता है महिलाओं के द्वारा, इसका महत्व बहुत कम आंका जाता है। एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं, यह किसी एक निजी परिवार यह व्यक्ति का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुषों के बीच, यह जो स्त्री है और जो पुरुष है उनके बीच असमानता की बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। स्त्री और पुरुष के मध्य जो अंतर किया जाता है वही असमानता कहलाती है और इसे हम एक असमानता का एक बहुत बड़ा भाग मान सकते हैं। इसलिए इसका जो समाधान है, इसका निवारण है, या जो इसका उपाय करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं या जो कार्य किए जाने वाले हैं, वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वे कार्य कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं या किसी पारिवारिक स्तर पर कार्य नहीं है। वरन यद्यपि शासक के स्तर पर भी होने चाहिए और ये कार्य यह शासक के स्तर पर भी किए जाने चाहिए। स्त्री पुरुषों, घर पुरुष और महिलाओं में, समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं, यह प्रशासकीय दृष्टि तक भी, वहाँ तक भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम ये भी जानते हैं कि जो समानता है हमारे संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यह हमारा एक मूल अधिकार भी है, जिसकी परिभाषा मैंने अभी आपको बताई। संविधान क्या कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव या अंतर नहीं किया जा सकता। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। मगर वास्तव में देखें तो परिवार में, समाज में लिंग भेद किया जाता है। लिंग भेद है क्या? लड़का लड़की में अंतर या पुरुष या स्त्री में अंतर का। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है और सरकार ऐसी कोशिश कर रही है या ऐसी कोशिश करने की तैयारी में है कि स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का अंतर न हो। इसके लिए वह अपनी तरफ से लिंग भेद न हो किसी भी प्रकार से,
अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। वचनबद्ध उदाहरण बता रहा है, उदाहरण के लिए सरकार जानती है, क्या जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ, कि बच्चों की देखभाल करना और घर का सारी जिम्मेवारी या घर के कार्य की सारी जिम्मेवारी का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, उसका वजन महिलाओं पर और लड़कियों पर उसका वजन पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर, अगर हम स्वाभाविक रूप से देखें तो इसका जो असर है लड़कियों के स्कूल जाने पर पड़ता है। वास्तविक रूप से देखें तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव लड़कियों के स्कूल जाने पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इससे यह बात निश्चित हो जाती है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, इससे यह बात सुनिश्चित होती है कि क्या महिलाएं घर के बाहर कार्य कर सकती हैं या करेंगी, तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी, तो वे महिलाएं किस प्रकार का एक कार्य या कार्य क्षेत्र का भी चुनाव करें। पूरे देश के कई गांव में, जो पूरे देश में बहुत से गांव में आंगनवाड़ी है या छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय वगैरह दिए जाते हैं उनको वहां पर पढ़ाई के बारे में, अध्ययन के बारे में सिखाया जाता है और उनको वहां खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है, सरकार की तरफ से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है और उनको पढ़ने लिखने की सामग्री भी दी जाती है और पढ़ाया भी जाता है, और बालवाड़ियाँ खोली हैं बच्चों की देखभाल के। शासन ने एक कानून बनाया है और गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है, वो कानून क्या है कि जिसके तहत इस कानून में यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, ऐसी कोई संस्था जिसमें महिला जो कर्मचारी हैं उनकी जनसंख्या 30 से ज़्यादा हो काउंटिंग, तो उन्हें वैधानिक रूप से एक बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी। बच्चों की सुविधा के लिए उनको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बच्चों की जो बालवाड़ी है उसकी जो व्यवस्था है होने से बहुत से महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा मिलेगी। बहुत सी महिलाओं को काम करने से घर से बाहर जाएंगी, काम मिलेगा और उनको रोज़गार मिलेगा, जैसे किसी को सफाई का, किसी को खाने का, किसी को पढ़ाने का, किसी को रसोई का आदि, किसी को पानी भरने का आदि, और किसी को उनके स्वास्थ्य की देख रेख, किसी को बाज़ार से उनके लिए सामान का आदान प्रदान करना, सामग्री वगैरह लाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सी महिलाओं को कार्य मिलेगा। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा और इससे बहुत सारी बच्चियों का या लड़कियों का स्कूल में जाना भी संभव हो सकेगा। अब इसमें, इस पाठ में कुछ शब्द संकलन आए हैं, जैसे अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है अपनी पहचान। यह एक प्रकार से स्वयं के, एक प्रकार से स्वयं के होने या अपने अस्तित्व और महत्व के प्रति एक जागरूकता का अभाव है। एक व्यक्ति की कई स्मृतियाँ हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है, यानी इस पेशे के रूप में लड़की है, बहन है, अध्यापक है, संगीतकार है या डॉक्टर है, उसकी स्वयं की अपनी एक पहचान होगी। फिर है दोहरा बोझ। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है दो गुना वजन या दोहरा वजन। सामान्यतः इस शब्द का, सामान्यतः देखें तो इस शब्द का महिलाओं के काम की, जो महिलाएं हैं उनके काम की जो स्थिति है उसको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह इस तथ्य को या इस बात को स्वीकार करता है कि महिलाएं आम तौर पर घर के भीतर, कि महिलाएं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों प्रकार के कार्य करते, अंदर भी बाहर भी, इसलिए उन पर थोड़ा बोझ माना जाता है। फिर आता है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत बहुत से काम आते हैं, जैसे किसी की संभालना, ख्याल रखना, ध्यान रखना,
पोषण करना, परवरिश करना, शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इनमें भवन भावनात्मक पहलू आदि। अब आता है अवमूल्यित। जब कोई अपने काम के लिए, जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित या अवमानना या उसको मानता है स्वीकृति नहीं मिलती है, तब वह श्रम को, अपने आप को अवमूल्यित, अपमानित महसूस करता है, प्राथमिकता नहीं मिलती। उदाहरण के लिए देखें, अगर कोई लड़का, उदाहरण बताएं, कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर, बहुत समय तक सोच विचार कर, बहुत खोज कर एक कोई गिफ्ट या उपहार लाता है, बनाता है, और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी नहीं कहे, और उसका जो मित्र है उस उपहार को देखकर अगर कुछ भी नहीं कहता है, तो पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है, अर्थात अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो इस प्रकार से आपका पाठ 4 ये कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम आपको पाठ नंबर 5 पढ़ाएंगे 7th क्लास में।